Knowledge me. So, सुन लिया? So, start now. तो दोस्तों पर्सनली ये वीडियो रे मिस्टीरियो के फैंस के लिए, मतलब कि ये वीडियो ने बनाने का मेकिंग का कारण है गाइस कि रे मिस्टीरियो के ऊपर जो अन्याय हुआ है ना गाइस सर्वाइवल सीरीज के टीम में से, तो गाइस वो किसके साथ भी नहीं हुआ। पहले बच्चों को निकाला, फिर बाप को निकाला, तो ये क्यों, इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करने वाले और इसका आंसर आप ही दोगे मुझे कमेंट में। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस रेसलिंग से ही भरे टीचिंग और नॉलेज वीडियो में मेरे चैनल पर डालता रहता हूं। चलिए दोस्तों हमारे सीधा मुद्दे के बात पे आते हैं और WWE की शपथ लेके स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा तगड़ा वीडियो। पहला तो कारण क्या है गाइस, देखो रे मिस्टीरियो के बेटे यानी डोमिनिक मिस्टीरियो को सर्वाइवल सीरीज के टीम में से निकाला, उसके पीछे का रीजन क्या है गाइस कि डोमिनिक मिस्टीरियो इतने बेहतर सुपरस्टार नहीं, इतने बेहतर खिलाड़ी नहीं कि वो अच्छी तरह सर्वाइवल सीरीज के टैग टीम में परफॉर्मेंस करे। ये तो ठीक है गाइस, पर देखो गाइस मेन क्या कारण है। देखो अब सर्वाइवल सीरीज के टैग टीम में यानी रॉकेट टीम में सारे वर्ल्ड चैंपियन थे फिलहाल डोमिनिक को छोड़ के, तो डोमिनिक को निकाल दिया, ये तो सही बात है। पर गाइस रे मिस्टीरियो को क्यों निकाला, वो तो वर्ल्ड चैंपियन थे यार, ग्रैंड स्लैम चैंपियन थे, उनको क्यों निकाला और उनकी जगह ऑस्टिन फ्यूरी को डाला। और देखो गाइस ऑस्टिन फ्यूरी कौन से चैंपियन है अभी WWE में, कौन से भी नहीं यार, स्मैकडाउन टैग टीम नहीं है, वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, उनको क्यों निकाला यार। गाइस देखो डोमिनिक मिस्टीरियो तो HD टैग टीम चैंपियन थे और अभी ऑस्टिन फ्यूरी घंटा कुछ चैंपियन नहीं है गाइस, टैग टीम नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, कौन से भी चैंपियन नहीं। तो गाइस इन बाप बेटे की जोड़ी सर्वाइवल सीरीज में क्या दिखती है यार गाइस, चार चांद लगा देते सर्वाइवल सीरीज के टैग टीम मैच में, तो इनको क्यों निकाला गाइस, इसका रीजन आपको मालूम है? हाँ गाइस मुझको मालूम है, WWE के जरा स्क्रू ढीले हो चुके हैं मुझे तो लगता है। तो दोस्तों इस बात से आप सहमत हो यानी आप रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के सच्चे फैन होंगे, तो दोस्तों आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस रे मिस्टीरियो के फैंस को समझना चाहिए कि रे मिस्टीरियो के ऊपर कितना अन्याय हो गया गाइस। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है मेरे इस बात से, आपको क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूं जल्दी, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।